मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराब माफियाओं पर कड़े एक्शन लेने और बड़ी कार्रवाई करने के आदेश के बाद पूर्वी चंपारण में अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अधिकारी और पदाधिकारी अब नियमित रूप से शराब माफियाओं के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के सिकरहना नदी के किनारे मिस्तौलिया, चिरैया, लालबेगिया में देरा इलाके में अवैध रूप से संचालित देशी शराब भट्टी को पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा नष्ट किया गया है। नाव और ड्रोन कैमरे की मदद से लगभग 10,400 लीटर देशी शराब को नष्ट करने के साथ ही कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। पूर्वी चंपारण SP स्वर्ण प्रभात ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लालबेगिया नदी के दियारा इलाके में ड्रोन कैमरे की मदद से वीडियोग्राफी कराकर अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी को नष्ट किया गया है। वहीं शराब माफियाओं को भी चिन्हित कर उन पर खड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस ने नहर, पाइप, पोखरा और गंडक लालबेगिया नदी के दियारा इलाके की कई स्पॉट को भी चिन्हित किया है जहां पर बड़े पैमाने पर देशी महुआ शराब का निर्माण होता है। पुलिस ने पहले ही सचेत कर दिया है कि एक भी शराब कारोबारी बच नहीं पाएंगे। 22 अक्टूबर को SDM ढाका और SDPO ढाका के नेतृत्व में ड्रोन कैमरा की मदद से चिरैया थाना अंतर्गत लालबेगिया नदी के दियारा इलाके में अवैध शराब निर्माण का जो कार्य चल रहा था उसको स्पॉट किया गया था। और इन्होंने सेंट्रल ALTF टीम और चिरैया थाना के सहयोग से करीब 5 जो शराब भटिया हैं उसको विनष्ट किया है और करीब 65 जो शराब के ड्रांस थे उसको विनष्ट किया गया, उसको जला दिया गया है। और साथ ही साथ 10,000 लीटर से भी ज़्यादा जो है अवैध जावा, महुआ और अर्धनिर्मित शराब को विनष्ट किया गया है। और इन कार्यों को जो लोग कर रहे थे उनको चिन्हित किया गया है और उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और जल्द से जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और मोतिहारी पुलिस के द्वारा ड्रोन कैमरा के माध्यम से इसी तरह जितने भी दियारा इलाके हैं और जो नदियां हैं और जो चौर है और नहर है जहां पर इस तरह का अवैध शराब का निर्माण कार्य चल रहा है उसको ड्रोन कैमरा की मदद से स्पॉट किया जाएगा और इस तरह की जो विनष्टीकरण की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी।